जहां तक कानून और नियम की बात है, ईसीआई का सर्कुलर हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग का, उसकी तिथि है 24 अगस्त 2023, जिसके अंतर्गत आपको ई अखबारों में या ई फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में किसी प्रकार के इश्तिहार का पहले से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सर्कुलर सबके पास है, बाहर वेबसाइट में है। अब इसका कोई शक सुबह संदेह नहीं है कि इस चीज के विषय में कोई ऐसा अप्रूवल नहीं लिया गया है किसी रूप से। दूसरा, हमारे पास और अप्रूवल की चिट्ठियां हैं इसी इसी पार्टी की, तेलंगाना पार्टी की, जहां उन्होंने बार बार, एक बार नहीं, हर प्रकार के एडवर्टिजमेंट्स के लिए अप्रूवल लिया है। ये भी आपको देंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां लगाया हमने केसीआर भरोसा, उसका उन्होंने अनुमति ली है, और कई तारीखें तिथियां दी हैं यहां पर जिस पर अनुमतियां ली हैं। लेकिन इसके लिए ठीक पूरी तरह से झूठा, फरेबी और वही भाषा जो बीजेपी इस्तेमाल करती है निकाला गया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पार्टी और एक ही पार्टी है जो पूरी तरह से विजय की तरफ मार्च कर रही है। इसके अलावा जो चौथा पहलू है वो है आचार संहिता के जो नियम हैं, उनका मैं जिक्र डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको मिलेंगे मेरे नोट में। क्लॉज 2 पार्ट 1 है जनरल कॉन्डक्ट का, मैनुअल का। एक दो लाइन आपके लिए पढ़ दूं अगर मैं, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन मेड शैल बी कन्फाइंड टू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, पास्ट रिकॉर्ड एंड वर्क। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पार्टीज बेस्ड ऑन अनवेरिफाइड एलिगेशन और डिस्टॉर्शन शैल बी अवॉइडेड। अब इसका तो सीधा उल्लंघन है, अदर पार्टीज एंड देयर वर्कर्स शैल नॉट बी क्रिटिसाइज बेस्ड ऑन अनवेरिफाइड एलिगेशन और ऑन डिस्टॉर्शन। आपने जब अनुमति नहीं ली तो साफ जाहिर है कि आपको मालूम है कि ये अनवेरिफाइड एलिगेशन है और आपको अनुमति नहीं मिलती, इसलिए आपने अप्लाई भी नहीं किया इसके लिए। अंतिम बिंदु है कि इससे कहीं कम चीज जो थी, इससे कहीं, इससे जितना गंभीर है ये, उसके आसपास मीलों दूर भी नहीं आता था। ऐसा जब भी किसी कांग्रेस लीडर ने, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, तो तुरंत चुनाव आयोग उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस लिखा गया और उसके बाद प्रतिबंध लगाया गया। बार बार ऐसा हुआ है, प्रश्न पूछे गए हैं, शो कॉज दिया गया है। तो हम तुरंत, मेरे कॉलिग्स बैठे हैं, ऐसी याचिका चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि तुरंत, क्योंकि चुनाव में बहुत टाइम सेंसिटिव होती है सब चीज़ें, घंटों और 1 या 2 दिन की बात है, इसलिए तुरंत एक्शन लेंगे। इस प्रकार के बेहुदे, आपके नियमों का उल्लंघन, झूठ, फरेब, मिथ्या प्रचार तुरंत रुके, इसकी मांग करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि ये होगा। लेकिन एक बात पक्की है, इससे हार और भी निश्चित होती है और प्रमाणित होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।